सुप्रभातम। आज हम सुदासह कक्षा 7 का जो है 10वां पाठ सुदासह नामक पाठ का शेष जो है अध्याय जो है उसको पूरा करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो सुदास जो है वो कहता है एकथयत महाराज एसे मासे पूर्वम एव एके स्वर्ण मुद्रया एतत् कमलम क्रेतुम एवांचन। हे महाराज, ये श्रीमान जी जो है वहां पर जो धनी खड़े हुए थे उन्होंने इस फूल को एक स्वर्ण मुद्रा दे करके खरीद लिया। अहम एतस्य कमलायै 10 स्वर्ण मुद्रा दास्यामि राजा एवदत्। और फिर राजा ने कहा कि मैं इस कमल के लिए आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं या दूंगा। एतत् पद्मं विक्राय नास्ति। फिर वह मालाकार जो है वो कहता है कि यह गुलाब जो है एतत् पद्मं विक्रयाय नास्ति, यह गुलाब का फूल जो है ये बेचने के लिए नहीं है। मालाकार त्वरितम एवदत्। मालाकार ने जो है शीघ्र ऐसा कहा। स अचिंत्यत यस्मै बुद्धाय धनी के राजा च बहुमूल्यं पदम अर्पितुं वाञ्छते तस्मै बुद्ध देवाय यदि अहम् एतत् पुष्पं दास्यामि तर्हि तस्य आशीर्वाद रूपेण प्रभूतं धनं वेदिष्यामि। और कहता है कि वह सोचता है स अचिंत्यत यस्मै बुद्धाय धनी के राजा च बुद्ध भगवान बुद्ध के लिए वह धनिक धनवान और राजा जब जो है बहुमूल्य जो है राजा चाहे बहुमूल्य पदम अर्पितुम बहुमूल्य जो है बहुत अधिक धन दे सकते हैं तो देना चाहते हैं तस्मै बुद्धेवा यदि अहम एतत् पुष्पं दास्यामि तो उसी बुद्धदेव के लिए यदि मैं यह फूल दूंगा तरहि तस्य आशीर्वाद रूपेण प्रभुतम धनम वेदिष्यामि तो उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे जो है प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा प्राप्त करूंगा। कमलम गृहत्वा आगे है कमलम गृहीत्वा सदेवस्य दर्शनाय तीव्रगत्या ऐ धावत। भगवान बुद्ध है एकस्य विशाल वृक्षस्य छायायाम उपविष्ट आसीत। तस्य आनने दिव्यानंद है नेत्रयोः अपारा करुणा आसीत्। मंत्रमुग्ध है तत्पुष्पम्
पुष्पम अर्पयति। वत्स किम वांछसि, किम वांछसि, बुद्ध देव विहस्य तमु अप्रच्छत्। प्रभो तव चरण धूल्या एकम कणम, एकम कणम वांछामि। तस्य दर्शनेन एव परित्रप्तः सुदासः एवदत्। आगे कहता है कि उसके बाद में जो है वह कमलम गृहत्वा सह देवस्य दर्शनाय तीव्र गत्या एधाव, और वह सुदास जो है वह कमल को लेकर के उसको सह देवस्य दर्शनाय, वह देव के दर्शन करने के लिए, भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए तीव्र गत्या एधावत, और तेज गति से जो है जाता है, दौड़ता हुआ जाता है। भगवान बुद्ध है एकस्य विशाल वृक्षस्य छायायाम उपविष्ट आसीत। और फिर कहता है कि भगवान जो बुद्ध है वह एक बहुत बड़े विशाल वृक्षस्य, बहुत बड़े पेड़ की छाया में बैठे हुए थे, उपविष्ट आसीत, बैठे हुए थे। तस्य आनने दिव्यानंद है नेत्रयोः च अपारा करुणा आसीत। और कहता है तस्य आनने उसके मुख पर, उसके चेहरे पर दिव्य आनंद था, बहुत अधिक आनंद छाया हुआ था, आनंदित था। नेत्रियों च और उनकी आंखों में अपारा करुणा आसीत, अपार करुणा थी, बेहद जो है दया दिखाई दे रही थी। मंत्र मुग्ध है सुदास है तस्य चरणयो तत् पुष्पम अर्पयति, और आश्चर्य मंत्र मुग्ध उनके चेहरे को देख करके, और वह सुदास जो है वह उनके चरणों में तस्य चरणयो तत् पुष्पम अर्पयति, उस पुरुष फूल को जो है, उस पुष्प को जो है समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। वत्स किम वांछसि, और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे पुत्र तुम क्या चाहते हो या तुम्हें क्या चाहिए। बोधदेव विहस्य तम अप्रच्छत, भगवान बुद्ध ने जो है, बुद्ध देवता ने हंस करके उससे पूछा, प्रभो तव चरण धूल्या एकम कणम वांछामि, मैं तुम्हारे चरणों की थोड़ी सी, एक चरण की जो है धूल जो है वह चाहता हूं। तस्य दर्शनेन एव परित्रप्तः सुदासः एवदत्, उनके दर्शन करके ही वह परित्रप्त हो गए, सुदासः एवदत् हो जाऊं, यह ऐसा जो है सुदास ने कहा। तो ये हमारा पाठ जो था, ये सुदास के जो है, सुदास इसका यह भी शाब्दिक अर्थ होता है कि अच्छा दास, अच्छा सेवक, और सुदास जो है यह एक नाम को भी जो है इंगित करता है। तो यहां पर जो है एक सेवक का जो है भगवान के प्रति जो है प्रेम या भक्ति जो है स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि उनकी भक्ति के सामने, भगवान की भक्ति के सामने एक सुदास ने जो है
बेशकीमती बहुमूल्य जो है सोने की मुद्रा जो है उसको भी त्याग दिया। आगे है, कैसा है यह हमारा अध्याय जो है यहीं पर पूरा होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या दो है, धातु रूपाणी पूर्या। प्रश्न दो, धातु रूपाणी पुरुष एकवचनम द्विवचनम और बहुवचन, ठीक है। धातु है वद, ठीक है, और वद का जो है प्रथम पुरुष पूछा गया है, प्रथम है पुरुष है, और एक वचन में ए वदत दिया हुआ है, ए वदत। द्विवचन में क्या आ जाएगा, ए वदता और ए वद। बहुवचन क्या आ जाएगा, ए वद। उसके बाद में कौन सी धातु दी गई है, धाव, और इसके अंदर जो है मध्यम पुरुष पूछा गया है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसमें दिया ए दिया हुआ है, ए धावे ए धावतम, ये दिया हुआ है, ए धावतम और ए धावत, ठीक है, ए धाव धावे ए धावतम और ए धावत। अगली है वांच, चाहना, वांच धातु है और उत्तम पुरुष पूछा गया है, उत्तम पुरुष, और इसका बहुवचन दिया हुआ है, ए वांछाम, ए वांछाम, ठीक है, और यहां आ जाएगा ए वांछम और ए वांछाओ और ए वांछाम, ए वांछम, ए वांछाओ, ए वांछाम। फिर है भू, भव, भू धातु अथवा भव, ठीक है, और प्रथम पुरुष पूछा गया है, इसके अंदर प्रथम पुरुष का हमको बताना है, और वही लकार भू है, भवत है, भवताम और ए भवत, और इसमें दिया हुआ है कौन सा, ए भवत दिया हुआ है और हमको ए भवत ए भवताम ये भरना था। प्रच्छ, और इसमें पूछा गया है मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष पूछा गया है, ए प्रच्छ, ए प्रच्छ, ए प्रच्छतम और ए प्रच्छत, ए प्रच्छे, ए प्रच्छतम और ए प्रच्छत। फिर पूछा गया इष्ठा,
स्था या तिष्ठ, बैठना या स्थापित होना। और इसमें पूछा गया है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष समय पुरुष है, ठीक है, और अतिष्ठम, अतिष्ठम ए उत्तम पुरुष, ए तिष्ठाव और ए तिष्ठाम, अतिष्ठाम अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। अर्थात ये जो है धातु रूप का प्रश्न है, हमको जो है धातु का कोई भी रूप पूछ लिया जाता है, किसी में एकवचन का, किसी में द्विवचन का, किसी में बहुवचन का, और हमको जो है बाकी जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वो भरने होते हैं। जैसे वद धातु का प्रथम पुरुष एवदत, एवदताम, एवदत, ठीक है। धाव का धातु का मध्यम पुरुष ए धावे, ए धावतम, ए धावत। वांछ धातु का उत्तम पुरुष ए वांछम, ए वांछाव, ए वांछा। और भू धातु का प्रथम पुरुष ए भवत, ए भवताम, ए भवत। प्रच्छ धातु प्रच्छ पूछना, मध्यम पुरुष अप्रच्छ, अप्रच्छतम, अप्रच्छत। और स्था या तिष्ठ धातु का उत्तम पुरुष अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठा। अगला हमारा प्रश्न है उचित पदई रिक्त स्थानानी पूर्य, प्रश्न संख्या तीन। उचित पदई ही रिक्त स्थान आने, रिक्त स्थान आने पदानी, पद जो है मंजूषा दी गई है, उन पदों को हमको यहां पर भरना है। ए गच्छत, ए गच्छत, ए मार्यत, ए मार्यत, ए पालयत, ए पालयत, ठीक है, ए पालयत, ए गच्छताम, ए गच्छताम, ए गच्छताम। अगला है ए भवत, ए गच्छत, ए भवत, आगच्छन, आ गच्छन, आ गच्छन, आसीत, आ सीत, ठीक है। ए करो, ए करो, ए करो, ए हरत, ए हरत, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, इस प्रकार से ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ रिक्त स्थान है, इनको हमको भरना है। रामे है, रामे है, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्र है, क्या थे पुत्र है, आसीत, पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आसीत। रामे है, दशरथस्य पुत्र है, आसीत, ये पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा, कहा है आसीत, रिक्त स्थान पहला, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाक्य है, कहता है से स्वजनकस्य आज्ञाम, से स्वजनकस्य, जनकस्य आज्ञाम, आज्ञाम
उन्होंने अपने जन्म की आज्ञा का क्या किया था, अपालयत, पालन किया, अपालयत। ये अपालयत शब्द जो है ये जो है रिक्त स्थान संख्या दो में आ जाएगा, ठीक है, अपालयत। तेन फिर कहता है आज्ञा में अपालयत वनम च, फिर आगे है अपालयत वनम च, और अगली धातु क्या है वनम च अगच्छत, अगला तीसरा स्थान अगच्छत। ठीक है, तेन सह अगला वाक्य है तेन सह, तेन सह लक्ष्मण सीता च सह, तेन सह लक्ष्मण सीता च, सीता च क्या था, एक दो तीन, सीता च अगच्छता गई, अगच्छता लक्ष्मण और सीता की जो है उनके साथ गई, अगच्छत अगच्छन अभवत अगच्छता, ये जो है ये कौन से में आ जाएगा, चौथे वाले में आ जाएगा, और तीसरे के अंदर क्या था अगच्छत अगच्छत, ये तीसरे वाले में आ गया, ठीक है। अगला है सीता से अगच्छत वने, वने रावण है, वने रावण है, रावणम रावणम, और रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, एक दो तीन चार, वने रावणम सीताम सीताम, वने रावणे सीताम आ जाएगा अहरत, अहरत राम है रावण से, राम है रावणेन सह क्या हो जाएगा अहरत, ये कौन से में आ जाएगा पांचवी में, ठीक है। रामे रावणेन सह युद्धम युद्धम अकरोत् अकरोत् करो, रामे रावणम रामे रावणम सातवें वाले में आ जाएगा ए मारियत, ए मारियत, ठीक है, राम ने रावण को मार दिया ए मारियत, ठीक है। अगला है अमायत करो, राम है रावण अमायत, सीता सीता मुक्ता अभवत, आठवें में क्या आ जाएगा अभवत अभवत, सीता मुक्ता अभवत, और सीता जो है क्या हो गई मुक्त अभवत, ठीक है, सीता मुक्ता च अभवत। राम है लक्ष्मण है सीता च अयोध्याम
अयोध्या क्या हुआ, क्या बच गया इसके अंदर अब, है आगच्छन, क्या आ जाएगा आगच्छन, आगच्छन आ गई। ठीक है, कहता है कि ये रिक्त स्थान के अंदर जो है ये जो मंजूषा दी गई है इसको हमें भरना है, राम दशरथस्य पुत्र आसीत, राम किस पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आसीत, स्वजनकस्य आज्ञाम अपालयत, दूसरे वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा अपालयत, वन च अगच्छत, तीसरे वाले रिक्त स्थान में अगच्छत, तेन सह लक्ष्मणं पिता च अगच्छताम, चौथे वाले में क्या आ जाएगा अगच्छताम, वने रावणं सीताम अहरण, रावण ने सीता का हरण कर लिया, पांचवे में अहरण, राम रावणे सह युद्धम अकरोत, अगले वाले में क्या आ जाएगा छठे में अकरोत, राम रावणम अमारयत, अगले वाले में सातवें में क्या आ जाएगा अमारयत, सीता मुक्त अभवत, और सीता को मुक्त करवा लिया, सीता मुक्त होगी, अगले वाले में क्या आ जाएगा अभवत, राम लक्ष्मण सीता से अयोध्यायाम आगच्छन, और अभी लास्ट में क्या आ जाएगा आगच्छन, इस प्रकार हमने सभी धातुओं को जो है इस रिक्त स्थान में भर के और उसको हमने पूरा कर दिया। अगला है धन्यवाद।